हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 13 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फोर न्यू लेवर कोर्स लाए थे, जिसको इम्प्लीमेंट किए जाने थे एक पार्टिकुलर शेड्यूल में या टाइम पीरियड में, तो अब उम्मीद की जा रही है शेड्यूल पीरियड से पहले ही इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि वो अर्ली इंप्लीमेंटेशन करना चाहती है इन फोर लेबर कोड्स का, एंड रूल्स टू दिस इफेक्ट वो रेडी हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ जनवरी। और इसके लिए सेंटर ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन भी कर रही है। ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन का मतलब हुआ कि थ्री पार्टीज यहां इन्वॉल्व होंगी, और थ्री पार्टीज में आप यहां देख सकते हो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, और दूसरी तरफ जो इम्प्लॉयज होंगे, और तीसरी तरफ इम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सो दैट जो रूल्स है ऑन दिस कोर्स, इनको फ्रेम किया जा सके। ये जो फोर लेबर कोर्स लाए गए थे, इसे आप बिग रिफॉर्म इन द लेबर सेक्टर कह सकते हो, बिकॉज इट एम्स टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, इंप्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, सिंप्लीफाइंग लेबर लॉस, स्ट्रीमलाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ लेबर मार्केट कंपोनेंट्स, एंड एक्सपेंडिंग द सोशल सिक्योरिटी कवरेज। हम देखेंगे इन फोर लेबर लॉज को डिटेल से। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट लेबर कोड है वो है लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। तो आपको पता होगा कि जो लेबर कोड लाए गए हैं वो अर्लियर लेबर एक्ट्स को रिप्लेस करके लाए गए हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट लेबर कोड है, ये 9 लेबर एक्ट्स को सब्ज्यूम करता है। आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको हाँ, मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए कुछ फीचर्स इन लेबर कोड के जरूर याद रखने हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ रही है, थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड एंड ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स। तो क्या फीचर है इस फर्स्ट लेबर कोड का? तो सोशल सिक्योरिटी फंड्स प्रदान किए जाएंगे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। गिग वर्कर्स का काफी ज्यादा नाम चल रहा है, तो आप हमें बताइए गिग वर्कर्स का क्या मतलब होता है? तो गिग वर्कर्स वैसे वर्कर्स होते हैं जो किसी भी कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर किया जाता है। आप एग्जांपल ले सकते हो, ये जो आपके डिलीवरी बॉयज हैं, फूड डिलीवरी बॉयज, या फिर ई कॉमर्स के लिए जो काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं आपके प्रोडक्ट्स को, ये गिग वर्कर्स कहलाते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो किए जाते हैं, जो सर्विस कंडीशन होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, जो वेजेस हैं वो जो रिक्वायर्ड है वो नहीं पे किए जाते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, इसे स्टेब्लिश किए जाएंगे, सो दैट जो भी स्कीम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए चलाए जाते हैं, या फिर गिग वर्कर्स के लिए, या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए चलाए जाते हैं, वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या मॉनिटरिंग के लिए इस बोर्ड को तैयार किया गया है। साथ ही साथ नेशनल डाटाबेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए तैयार किए जाएंगे। जो दूसरा लेबर कोड है वो बेसिकली लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली 13 लेबर एक्ट्स को रिप्लेस करता है। बिल्कुल याद नहीं रखना है आपको। इनके फीचर्स क्या होंगे? तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड्स नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, दोनों लेवल पर क्रिएट किए जाएंगे, सो दैट ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, रेगुलेशंस क्या होने चाहिए टू बी फ्रेम अंडर द कोड। वोमेन को इंटाइटल दिए गए हैं कि वो सारे एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय किए जा सकते हैं, यानी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर इक्वालिटी यहाँ प्रमोट किए जाएंगे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। ऑल टाइप ऑफ वर्क के लिए वोमेन आर इंटाइटल टू बी एम्प्लॉयड। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब बेसिकली कंपनीज ही है। साथ ही साथ फ्री हेल्थ चेकअप वंस ए ईयर एम्प्लॉयर के द्वारा प्रदान किए जाएंगे फॉर वर्कर्स विच आर मोर देन ए सर्टेन एज, यानी कि कोई पार्टिकुलर एज के बियॉन्ड अगर कोई वर्कर है तो उन्हें फ्री हेल्थ चेकअप एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे वंस ए ईयर। जो तीसरा लेबर कोड है वो लेबर कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन,
कौन से लेबर एक्ट को सब्ज्यूम किया गया है? तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1936, 26, ये सब आपको याद नहीं रखने हैं। क्या फीचर है इनके? तो कोई भी स्टेब्लिशमेंट या फिर कंपनी वेयर एटलीस्ट 300 वर्कर्स, पहले ये 100 वर्कर्स वाले स्टेब्लिशमेंट के लिए अप्लीकेबल था, अब इसे बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। तो इसके तहत अगर कोई स्टेब्लिशमेंट क्लोज होना चाह रही है या फिर वर्कर्स को निकालने का प्रयास किया जा रहा है या फिर रिट्रेंचमेंट किए जा रहे हैं, तो इसके लिए ये सब काम करने के लिए सरकार से या गवर्नमेंट से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन रिलेशन टू डिस्चार्ज, डिसमिशन, रिट्रेंचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स, तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कैटेगरी में रखा जाएगा। साथ ही साथ रीस्किलिंग फंड एस्टेब्लिश करने की बात कही गई है, और इस फंड की मदद से रीस्किल किए जाएंगे उन वर्कर्स को जिनको फायर आउट कर दिए हैं, यानी कि बाहर निकाल दिए गए हैं फ्रॉम देयर जॉब, सो देट उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स इन डिफरेंट कंपनी हो सके। जो फोर्थ लेबर कोड है हमारा, वो है कोड ऑन वेजेस 2019। तो ये कौन कौन से लॉज को रिप्लेस करता है, तो यहाँ आप देख सकते हो, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कोड सारे इम्प्लॉयज के लिए अप्लीकेबल होंगे, चाहे वो 10 वर्कर्स वाले हो या फिर 9 वर्कर्स वाले हो, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। और सेंट्रल गवर्नमेंट वेज रिलेटेड डिसीजंस लेगी फॉर इम्प्लॉयमेंट सच एज रेलवेज, माइंस, वेलफेयर अमंग अदर्स। तो इन सब क्षेत्र में अगर इम्प्लॉयमेंट किया जाता है तो क्या वेज होंगे या फिर वेज रिलेटेड डिसीजंस होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगी। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वेज रिलेटेड डिसीजन ले सकेगी फॉर ऑल अदर इम्प्लॉयमेंट, यानी इन सेक्टर्स को छोड़कर जो बचे सेक्टर है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेज भी फिक्स करेगी। फ्लोर वेज का मतलब द मिनिमम वेजेज विच हैज टू बी गिवेन बाय एनी एस्टेब्लिशमेंट हूएवर रिक्रूट्स ए वर्कर। सो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेज भी फिक्स करेगी, टेकिंग इनटू अकाउंट लेवल लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर। और जो मिनिमम वेजेज होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और इट मस्ट बी हायर देन द फ्लोर वेज। तो ये फ्लोर वेज जो निकाले जाएंगे उससे हायर ही होने चाहिए द मिनिमम वेजेज विच विल बी डिसाइडेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दिस कोड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयर्स फ्रॉम पेइंग वेजेस लेस देन द मिनिमम वेजेस। तो ये याद रखना है, अगर कोई एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस से भी मिनिमम दे रहा है तो ये नहीं चलेगा, इट इज इलीगल। कोड प्रोहिबिट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है इन मैटर्स रिलेटेड टू वेजेस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, यानी कि सेम वर्क है, सेम नेचर ऑफ वर्क है, तो वहां पर अगर कोई मेल है या फिर फीमेल है उनको सेम वेजेस मिलेंगे, देयर विल बी नो सच डिस्क्रिमिनेशन। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट यूएस इंडिया डिफरेंट 3D प्रिंटिंग एडॉप्शन। तो क्या कंटेक्स्ट है हम बात करेंगे, तो बेसिकली एक स्टडी से पता चला है कि ओनली 30% इंडियन एग्जीक्यूटिव 3D प्रिंटिंग के बारे में जानते हैं, एज कम्पेयर टू 77% ऑफ अमेरिकन एग्जीक्यूटिव हु नोज व्हाट 3D प्रिंटिंग इज। तो हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है और कैसे वर्क करते हैं। तो 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। इसके तहत कंप्यूटर एडेड डिजाइन की मदद से वर्किंग मॉडल तैयार किए जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, और उसके बाद थ्री डायमेंशनल एरिया में उस ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल। और ये जो रॉ मटेरियल्स होंगे जिसके मदद से 3D प्रिंटिंग होगी, वो प्लास्टिक हो सकते हैं, रेजिन हो सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक हो सकते हैं, मेटल या फाइबर या सेरामिक। यानी कि अगर आपको मेटल के ऑब्जेक्ट का 3D प्रिंटिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट का 3D प्रिंटिंग करना है तो वो भी कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर द मॉडल टू बी प्रिंटेड इज फर्स्ट डेवलप बाय द कंप्यूटर, यानी कि सबसे पहले मॉडल डेवलप किए जाएंगे सॉफ्टवेयर की मदद से, और ये मॉडल इंस्ट्रक्शन देगा 3D प्रिंटर को कि
क्या प्रिंट करने हैं, कितने डायमेंशन में प्रिंट करने हैं, क्या हाइट होगी, लेंथ क्या होगी। अगर हम 3D प्रिंटिंग की बात करें तो इट इज अपोजिट ऑफ सब्स्ट्रक्टिव या फिर ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। इसका आपको मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो आप ज्वेलरी जरूर देखे होंगे, यानी कि जो ज्वेलरी बनाए जाते हैं उसमें क्या होते हैं कि एक मटेरियल लिया जाएगा, चाहे वो गोल्ड हो सकते हैं या सिल्वर हो सकते हैं, उसको फिर काटे जाते हैं। तो जब ये काटे जा रहे हैं तो इसका मतलब सब्स्ट्रक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन अगर 3D प्रिंटिंग की बात करें तो ये उन मेटल्स को लेयर आफ्टर लेयर एक्यूमुलेट करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्ट्रक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। दैट्स व्हाई ये जो आपका 3D प्रिंटिंग है ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है, बिकॉज इसमें हम ऐड करते हैं और सक्सेसिव एडिशन के बाद ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आप 3D प्रिंटिंग के बारे में YouTube पर अच्छे से सर्च करके उन्हें समझ सकते हो, सो दैट आपको पिक्चर क्लियरिटी मिल सके। क्या बेनिफिट होंगे 3D प्रिंटिंग का मैन्युफैक्चरिंग में, तो इससे सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूव की जा सकेगी प्रोडक्ट्स की, साथ ही साथ लेस एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उससे बाय प्रोडक्ट तो जनरेट नहीं होंगे, बिकॉज व्हाट द डायमेंशन वेज गिवन इन द सॉफ्टवेयर, केवल उतने ही मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट विल यूज लेस एनर्जी एंड डाइवर्सिटी इन प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगी, लेस स्पेस की जरूरत है टू स्टोर इन्वेंट्री, एज वेल एज इट प्रोड्यूसेस लेस वास्ट देन ट्रेडिशनल मेथड्स। कहाँ कहाँ इनका एप्लीकेशन होगा, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछ रहे हैं, तो आपको याद रखने और जनरली इनका आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होता है। तो ये मेडिकल एंड एलाइड सेक्टर में यूज किए जाते हैं, ऑटो एंड एंसिलरी, ऑटो एंड मोटर स्पेयर पार्ट बिजनेसेस में यूज किए जा सकते हैं। लेट से कि कोई ऑटोमोबाइल पार्ट ब्रेक डाउन हो गया है और हमें उसे प्रोड्यूस करना है, तो 3D प्रिंटिंग के माध्यम से हम उस ऑटोमोबाइल पार्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद उसे लगा भी सकते हैं प्रोडक्ट में। साथ ही साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि जैसे कि आपके मोबाइल कवर, ये सब प्रिंट किए जा सकते हैं और यूज किए जा सकते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो बहुत सारे ओपन डायमेंशन है इसके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तो 99% चांस होंगे कि आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्रयास कर रहा है 3D प्रिंटिंग को प्रमोट करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो एक स्ट्रेटेजी बना रही है, सो दैट वो सारे सब सेक्टर्स में जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाए करते हैं वहां पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके, वहां पर इन टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया जा सके। यहाँ पर आप 3D प्रिंटिंग प्रोसेस देख सकते हो, सबसे पहले 3D जो मॉडल तैयार किए जाते हैं जिस भी प्रोडक्ट को आपको बनाने हैं, उसके बाद उसे .stl फाइल में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद एक पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर में से लोड किए जाते हैं और फिर एक मॉडल तैयार किया जाता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन 3D प्रिंटिंग में दिए जाते हैं और उसके बाद 3D ऑब्जेक्ट आपका बनकर तैयार हो जाता है। इसकी मदद से आप कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स से कप, टीपॉट या वुडन प्रोडक्ट्स कुछ भी बना सकते हो, वो डिपेंड करेंगे कि आपके मटेरियल क्या है। अगर वो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के कप बन जाएंगे, अगर वो मेटल है तो मेटल के प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनको ऑपरेट हुए अब कम्प्लीटली 5 ईयर्स हो गए हैं, तो हम इन योजना के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए योजना इंपॉर्टेंट है। तो क्या अचीवमेंट्स रहे हैं इस योजना का, तो हम बात करते हैं जो एवरेज सम इंश्योर किए जाते हैं पर हेक्टेयर, यानी कि पर हेक्टेयर जो एवरेज इंश्योरेंस कवर है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 15,100 विच वॉज ड्यूरिंग प्री PMFBY स्कीम टू 40,700 अंडर द PMFBY स्कीम। तो इसका मतलब जो मोर एंड मोर फार्मर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम और ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इंश्योरेंस कवर को ले रहे हैं, तो काफी खुशी की बात है।
तो ये जो स्कीम है वो अप्रोक्स पर ईयर 5.5 करोड़ फार्मर के एप्लीकेशन को हैंडल करती है, और अभी तक 90,000 करोड़ के क्लेम्स हो चुके हैं और पे भी किए जा चुके हैं। इवन ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन पीरियड नियरली 70 लाख फार्मर्स बेनिफिट हुए थे, तो काफी बड़ी संख्या है फार्मर बेनिफिट की। हम बात करेंगे PMFVY स्कीम के बारे में, तो ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, और ये आपको याद रखना है कि इट इंश्योर्स फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड, यानी कि ये इंश्योरेंस स्कीम प्री सोइंग के लिए भी अप्लीकेबल है, टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड तक के लिए भी अप्लीकेबल है, अगेंस्ट नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क। और इसके तहत जो फार्मर्स हैं उन्हें प्रीमियम देने पड़ते हैं, लेकिन प्रीमियम आप देख सकते हैं बहुत ही लो है। खरीफ क्रॉप्स के लिए 2% है, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% है, और 5% है हॉर्टिकल्चर के लिए और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए। तो ये भी याद रखना है कि कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी ये स्कीम लागू होते हैं। बेनिफिशियरीज कौन होंगे इसके? तो जो भी फार्मर्स है, चाहे वो शेयर क्रॉपर से क्यों ना हो, टेनेंट फार्मर से क्यों ना हो, विच आर ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन ए नोटिफाइड एरिया, वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले मतलब जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी उसके बाद कुछ रिफॉर्म्स लिए गए हैं टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस। हम बात करते हैं क्या रिफॉर्म्स लिए गए हैं। तो जो रिफॉर्म है उसके तहत अब ये इनरोलमेंट इस स्कीम के तहत वॉलेंट्री कर दिया गया है सारे फार्मर्स के लिए। इससे पहले क्या होते थे कि वैसे फार्मर्स जो लोन लेना चाहते हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उन्हें मैंडेटरी था कि वो इस स्कीम में इनरोल करवाए तभी उन्हें लोन मिलेगा, लेकिन अब ये वॉलेंट्री कर दिया गया है। साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा रिफॉर्म हुआ है उसके तहत जो सेंटर का शेयर है प्रीमियम देने में, प्रीमियम सब्सिडी देने में, वो रिड्यूस किए गए। पहले सेंटर 50% सब्सिडी देती थी प्रीमियम में और स्टेट गवर्नमेंट 50 देती थी, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट 25 ही देंगी अगर वो इरिगेटेड एरियाज वाली एग्रीकल्चर लैंड है तो, और स्टेट का शेयर 75 हो जाएगा, और अगर अन इरिगेटेड एरिया है तो फिर सेंटर का शेयर 70 और स्टेट का शेयर 30। यानी कि अगर सीधा बात कहे तो सेंटर ने अपने जो सब्सिडीज हैं वो कम किए हैं। डिस्ट्रिक्ट हैविंग 50% और मोर इरिगेटेड एरिया, उन्हें इरिगेटेड एरिया या डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इरिगेटेड एरिया का डेफिनेशन भी दिया गया है। अब इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस जो इस योजना को फेस करने पड़ रहे हैं क्या क्या है? तो बहुत सारे स्टेट्स वो डिसाइड कर रहे हैं कि इस स्कीम से बाहर निकल लिया जाए, बिकॉज स्टेट्स को अब हायर शेयर ऑफ प्रीमियम प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बिकॉज सेंटर ने तो अपने कदम पीछे खींच लिए है, बिकॉज उन्होंने अपने सब्सिडी शेयर कम कर दिए। और चूंकि ये स्कीम वॉलंटरी कर दिया गया है तो हो सकता है आने वाले समय में नंबर ऑफ फार्मर्स की संख्या वो कम हो जाए, इस बेनिफिट्स को लाभ उठाने वाले फार्मर्स की संख्या बेसिकली, तो प्रीमियम रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट को सारे बर्डन झेलने पड़ेंगे इन गैप को फिल करने में। इंश्योरेंस एडमिटिंग लेस ऑफ फार्मर्स क्लेम, यानी कि जो भी फार्मर क्लेम करते हैं उससे कम वैल्यू का क्लियरेंस इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा किया जाता है, विच लीड टू डिले इन सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट इंडिया प्रपोजेज 8 पॉइंट एजेंडा टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू कॉम्बैट टेररिज्म। हम बात करेंगे 8 पॉइंट एजेंडा के बारे में, क्या है ये? तो बेसिकली 20th एनिवर्सरी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उसी के संदर्भ में इंडिया ने 8 पॉइंट एक्शन प्लान प्रेजेंट किए थे टू इंश्योर इफेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द मेनेंस ऑफ टेररिज्म। तो ये इम्पोर्टेंट है रेजोल्यूशन 1373, बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं रिसेंटली रेजोल्यूशन 1373 वाज इन न्यूज इट इज अबाउट, तो ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो रेजोल्यूशन 1373 एडॉप्ट किए गए थे 9/11 टेरर अटैक, जिसके बारे में आप भी अच्छे तरह से जानते होंगे, एंड लेट डाउन ए सीरीज ऑफ जनरल एंड एब्स्ट्रैक्ट रूल्स टू फाइट टेररिज्म।
ये जो 8 पॉइंट एज ए एक्शन प्लान सजेस्ट किए गए हैं इंडिया के द्वारा, क्या है ये? तो इसके तहत जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें अपने ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने चाहिए विच आर इंस्ट्राइंड इन द इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म इंस्ट्रूमेंट एंड जो भी कन्वेंशंस टेररिज्म के ऊपर है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप डबल स्टैंडर्ड्स टेररिज्म के प्रति ना अपनाएं, यानी कि देयर इज नो गुड और बैड टेररिस्ट, टेररिस्ट मीन्स टेररिस्ट। और अगर हम बात करें डबल स्टैंडर्ड, साथ ही साथ रिफॉर्म वर्किंग, यानी कि ये जो वर्किंग मेथड्स है कमिटीज का जो डील करते हैं सेंक्शंस एंड काउंटर टेररिज्म को, इनमें रिफॉर्म लाए जाए, दैट इज ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। साथ ही साथ डिस्करेज किए जाए एक्सक्लूसिविस्ट थिंकिंग को जो डिवाइड करते हैं वर्ल्ड को एंड हार्म्स आवर सोशल फैब्रिक। ऑब्जेक्टिव इनलिस्टिंग एंड डिलिस्टिंग होने चाहिए इंडिविजुअल्स के, इंटिटीज के अंडर यूएन सेक्शन रिजीम्स। फुल्ली रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस लिंकेजेस बिटवीन टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो बेसिकली टेररिज्म और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में रिलेशन होता है, लिंकेजेस होता है, इसे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। एंड वंस इट गेट्स रिकॉग्निशन तो डेफिनेटली हम दोनों इश्यू से डील कर सकते हैं। एफएटीएफ की तारीफ भी की गई है और कहा गया है कि एफएटीएफ शुड कंटिन्यू टू आइडेंटिफाई एंड रेमेडी वीकनेसेस इन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म। एडिक्वेट फंडिंग दिए जाने चाहिए यूएन काउंटर टेररिज्म बॉडीज को फ्रॉम यूएन रेगुलर बजट। तो ये भी अच्छी बात कही गई है। अब जो ग्लोबल लेवल पर जो टेररिज्म के अगेंस्ट स्टेप लिए जा रहे हैं उनके इम्पोर्टेंट पिलर्स की बात करें तो आप देख सकते हो देयर इज अ कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, देयर इज ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, देयर इज काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स, देयर इज यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, एफएटीएफ। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है कि टेररिज्म किसी भी कन्वेंशन के तहत डिफाइन ही कहीं नहीं किए गए। तो जब टेररिज्म डिफाइन ही नहीं है तो ये सारे के सारे एग्रीमेंट फालतू हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट शुगर केन फार्मर्स। ये टाइमली पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं जो उनको एफआरपी के तहत दिए जाते हैं या फिर स्टेट एडवाइस प्राइस के तहत दिए जाते हैं शुगर मिल्स के द्वारा। तो बेसिकली शुगर केन फार्मर्स ने डिमांड किए हैं कि शुगर मिल्स उन्हें एफआरपी पे करे इन वन को, लेकिन शुगर मिलर्स क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हायर एफआरपी और एसएपी यानी कि स्टेट एडवाइस प्राइसेस है उसके कारण जो केन प्राइस पेमेंट है उसमें राइज अप देखने को मिल रहा है, जिसके कारण शुगर मिल्स को पे करने में दिक्कतें आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका होने का कारण बेसिकली ये सेंटर के द्वारा जो एफआरपी इश्यू किए जाते हैं और एसएपी जो स्टेट के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, और दोनों में टक्कर चलते रहती है ये दिखाने की कि फार्मर्स की सबसे ज्यादा चिंता कौन करता है। दैट्स वाई इन सब के बीच जो पिस्ता कौन है, शुगर मिल्स। इट इज क्लेम्ड दैट जो प्रेजेंट ड्यूअल शुगर केन प्राइसिंग है यानी कि एफआरपी एंड एसएपी, वो डिस्टोर्ट कर रहे हैं शुगर केन और शुगर इकोनॉमी को, लीडिंग टू कैश प्राइस एरियर्स। तो शुगर केन मिल्स को पे करने पड़ते हैं एफआरपी या फिर एसएपी टू शुगर केन फार्मर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइसेस। तो मार्केट प्राइसेस चाहे वो कम हो एफआरपी से या फिर ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शुगर मिल्स को जो डिसाइडेड एफआरपी या एसएपी वो देने ही पड़ेंगे, जस्ट लाइक एमएसपी। मिलर्स एर्ग्यू दैट दे आर फेसिंग अ टफ फाइनेंशियल सिचुएशन बिकॉज देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन रेवेन्यू जनरेटेड बाय द मिल्स एंड कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि जो कॉस्ट लगते हैं प्रोडक्शन ऑफ शुगर में और जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो, उनके जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो कितने कम होते जा रहे हैं कि फार्मर्स को प्राइस पे करने तक में आफत आ रही है। अगर हम प्राइस पॉलिसी कहें शुगर केन की कैसे निर्धारित किए जाते हैं, तो बेसिकली जो प्राइसिंग है शुगर केन की वो गवर्न होती है शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत, विच आर इश्यूड अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अब दो प्राइसेस होते हैं जो शुगर केन के लिए दिए जाते हैं, वन इज एफआरपी। तो एफआरपी बेसिकली द मिनिमम रिम्यूनरेटिव प्राइसेस
ऑफ द कैन जो अनाउंस किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और ये कैसे अपने रिकमेंडेशन देती है, तो ये रिकमेंडेशन देने से पहले कंसल्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और एसोसिएशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री के द्वारा। एसएपी की बात करें तो डिक्लेयर किए जाते हैं कुछ स्टेट्स में, नॉट इन द ऑल स्टेट्स, विच इज यूजुअली हायर देन द एफआरपी। शुगर केन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो इम्पैक्ट करते हैं रूरल लाइवलीहुड यानी कि फार्मर्स को और वर्कर्स को डायरेक्टली इम्प्लॉयड इन द शुगर मिल। आप हमें शुगर इंडस्ट्री के 5 मेजर रीजन बताएंगे कि वाई दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू द साउथ इंडिया, ये प्रीलिम्स में मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो फैक्टर्स हैं जिसके तहत एफआरपी फिक्स किए जाते हैं शुगर केन का, तो आप देख सकते हो सबसे पहली बात तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी देखे जाएंगे, रीजनेबल मार्जिन फॉर द ग्रोवर्स ऑफ शुगर केन ऑन द अकाउंट ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट, रिकवरी ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन इसे भी हैंड लिए जाएंगे, प्राइस एट विच शुगर इज सोल्ड बाय द शुगर प्रोड्यूसर, रियलाइजेशन मेड फ्रॉम सेल बाय प्रोडक्ट ऑफ और देयर इम्प्यूटेड वैल्यू। साथ ही साथ ये भी देखे जाते हैं कि जो शुगर की अवेलेबिलिटी है कंज्यूमर में, मतलब है या नहीं है, ये सब देखे जाते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द शॉर्टर डील। तो बेसिकली ई पोर्टल लॉन्च किया गया है फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स अबाउट टैक्स इवेजन। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने ई पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं सो दैट कंप्लेंट्स फाइल अप किए जा सके। अगर टैक्स इवेजन के कोई केसेस आते हैं, बिना भी प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कंप्लेन आते हैं, या फिर अनडिस्क्लोज एसेट जो ओवरसीज में है उससे जुड़े कोई इन्फॉर्मेशन आते हैं, द फैसिलिटी अलाउज फॉर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स बाय पर्सन हु आर एग्जिस्टिंग पैन या आधार होल्डर एज वेल एज फॉर पर्सन हैविंग नो पैन या आधार, यानी कि जिसके पास पैन या आधार है वो तो कर ही सकते हैं फाइल, जिसके पास नहीं भी है वो भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज शी विजिल 2021। तो ये बायनियल डिफेंस एक्सरसाइज है जो हेल्ड किए जाते हैं अलोंग 7561 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। ये कोऑर्डिनेट किए जाते हैं इंडियन नेवी के द्वारा एंड इन्वॉल्व्स मेनी टाइम स्टेक होल्डर, जिसमें कोस्ट गार्ड होते हैं, कस्टम्स फिशरी होते हैं, फिशिंग एंड कोस्टल कम्युनिटीज भी होते हैं, ऑल द 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। द एक्सरसाइज इज बिल्ड अप टुवर्ड्स मेजर थिएटर लेवल एक्सरसाइज ट्रॉप एक्स, थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज फुल फॉर्म है इसका, कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एवरी 2 ईयर्स। आपको क्या याद रखना है, सी विजिल 2021 इट इज ए बायनियल डिफेंस एक्सरसाइज, और इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर शामिल है। वैसे अभी तक यूपीएससी ने एक्सरसाइज से जुड़े एक भी सवाल नहीं पूछे, तो काफी लो लेवल क्वेश्चन बन सकते हैं इसे। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट 2D इलेक्ट्रॉन गैस। तो 2D इलेक्ट्रॉन गैस प्रोड्यूस किए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, विच इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। क्या है ये 2D इलेक्ट्रॉन गैस? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गैस है जिसकी काफी ज्यादा हाई मोबिलिटी होती है, विच कैन स्पीड अप ट्रांसफर ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन। तो इसकी मदद से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्वांटम स्पीड भेजे जा सकते हैं, एंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए डिवाइस टू अनदर एंड इंक्रीज डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी। तो डाटा स्टोरेज और मेमोरी को भी बढ़ाएगा ये। स्ट्रॉन्ग स्पिट ऑर्बिट कपलिंग एंड रिलेविस्टिक नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 2D इजी रिजल्टेड इन रासवा फील्ड। तो रासवा फील्ड ये इफेक्ट क्या होते हैं, इसके तहत स्पिन बैंड्स जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, माइट प्ले की रोल इन स्पिन ट्रॉपिक डिवाइसेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट क्लारीपयट्टू। तो क्लारीपयट्टू ये आपको याद रखने हैं, मार्शल आर्ट्स के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। तो ये क्लारीपयट्टू मार्शल आर्ट है जो ओरिजिनेट हुए थे केरला में ही 3rd century BC के दौरान टू 2nd century AD। अन्य जो मार्शल आर्ट्स है भारत के, ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड, याद रखने हैं आपको। तमिलनाडु में जो मार्शल आर्ट परफॉर्म किए जाते हैं सिलम्बम
एंड कुट्टू वरिशी, मणिपुरी में थांगटा और सरित सरक, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा, पंजाब में गटका, बंगाल में लाठी खेला, महाराष्ट्र में मर्दानी खेल मल्लखंबा और जम्मू एंड कश्मीर में स्क्वैश। बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड आपको। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट स्वामी विवेकानंद, इसके बारे में कौन नहीं जानते हैं, ये सब यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो बेसिकली 12 जनवरी इसे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे के रूप में, टू कॉमेमोरेट स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी। और ये इंस्पायरर यानी कि इंस्पायरर मोटिवेट करने वाले, मोटिवेटर के रूप में उभर कर आए थे ऑफ इंडिया डोरमेंट नेशनल कॉन्शियसनेस ऑनिंग टू हिज एड्रेस। आपको पता होगा इन्होंने एड्रेस किए थे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इन 1893। आप हमें लोकेशन के नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या कंट्रीब्यूशन इन्हें रहे हैं इनके, तो इन्होंने रामकृष्ण मठ बेलूर में इस्टेब्लिश किया था, सो दैट जो टीचिंग्स है वेदांता की, वेदांता मोनोइज्म पे विश्वास रखता है, उन टीचिंग्स को स्प्रेड किया जा सके और सोशल कंडीशन जो कॉमनर्स है यानी कि जो कॉमन पीपल, उनके सोशल कंडीशन को भी इम्प्रूव किए जा सके। इन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया था नेशन बिल्डिंग में बाय परसुएडिंग जमशेदजी टाटा कि आप स्टील फैक्ट्री स्टेब्लिश करिए एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टेब्लिश करिए। आज आप देख सकते हो कि ये जमशेदजी टाटा की फैक्ट्री कितने लोगों को एम्प्लॉय दे रही है, कितनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है। तो उनके थॉट को समझिए कि उनकी कितनी दूर तक की थिंकिंग प्रोसेस थी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की लेक्चर, होप आपको पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।